Yes, hello. Good evening. Sorry, I don't know who's asking. Yes. Never apprehensive. You have to take every new step with confidence, and it's a different format, but I'm very excited because, you know, this goes out to 190 countries around the world, 150 million subscribers that Netflix has. So I'm very happy to be breaking into this new market. Aur hum bade khush hain show ke saath, bada acha bana hai. Pichle ek saal se sab logon ne itni mehnat ki hai. Star cast, Reshammiya se log, Netflix, the production, direction, the camera team, aur I think ek deir saal ke baad wo mehnat rang laegi. मिस्टर शारदा जी के साथ आपका एक प्रोमो भी बना था जी, काफी सोच पूछकर और समझकर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है और शायद एक्चुअली इसको प्रेजेंट भी कर जी जी ये अनुभव कैसा मिस्टर शारदा कैसा यार मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा उस वीडियो में जो चीज़ें मैंने उनके बारे में कही हैं उनका एक बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है मुझ पर एज एन आर्टिस्ट एज अ पर्सन क्योंकि यू नो पला बड़ा हूँ उनकी फिल्में देखकर लेकिन मैंने उनको उस वीडियो में ढक्कन बुलाया डब्बा बुलाया और फिर उनके सर पे वो क्लॉथ का बैग लगाया सो बड़ा दुख हुआ बट एक दूसरा हिस्सा था जो प्रोफेशनल था वी हैड टू शूट इट लेकिन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था आई थिंक उनकी दाद देनी चाहिए बिकॉज आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर एट हिज लेवल वुड हैव दैट काइंड ऑफ यू नो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इन अ वीडियो But he's fantastic. Well, अगर तैयार नहीं होता तो यहाँ नहीं होता मैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है देखिए ये जिस तरह का सब्जेक्ट है जिस तरह लोगों ने प्रोमो को पसंद किया है इसकी जो एक तरह से बज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अभी हालांकि 27 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए कि मिशन पर हमारे साथ आइए और मज़े लीजिए बिकॉज इट्स एंटरटेनिंग थ्रिलिंग सस्पेंस और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता नहीं होगा ये किस तरह ख़त्म होने वाला है किसी से सॉरी वो ही लव्स इट क्योंकि वो खुद बड़े फैन हैं नेटफ्लिक्स के और देखते रहते हैं लेकिन यहाँ पेरेंटल गाइडेंस उम्र थोड़ी बड़ी है तो शायद देख नहीं पाएंगे शायद मैं उनको पहला एपिसोड दिखा दूँ जी आई थिंक लद्दाख में सबसे जो टेस्टिंग बात थी वो टेम्परेचर नहीं था वहाँ का ऑक्सीजन डेप्रिवेशन था क्योंकि अगर आप मुंबई से जा रहे हैं लद्दाख तो आप 0 फीट से 13,000 फीट पर जा रहे हैं कुछ घंटों में तो यू नो योर लंग्स कांट टेक इट ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाता है और वहाँ पे हमने बाकायदा लंबे एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए हैं बहुत सारा एक्शन शूट किया है तो बहुत बहुत टेस्टिंग था बट हमारे पास एक बहुत ही सपोर्टिव क्रू था एंड आई थिंक वी हैव डन इट वेरी वेल उनकी दाद देनी चाहिए ओके बेटा